नहीं पता क्या होगा, आपको तो पता है क्या होगा। नन्हे से बालक को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि क्या हो रहा है। जब अपनी ही द्रौपदी की गोद में बच्चे को देखते और कोने में बैठी अपनी बूढ़ी माँ याद आती है, नजर आती है, घर जाकर के उसकी गोद में लेट जाता है। कभी जाके लेटते हो? पक्का सच में मम्मी झूठ मूठ जाती है? चल हट। हाँ अब तो कोई छोटा है, लेकिन उस वक्त दुनिया की सारी मम्मी झूठ बोलती है कि ये बड़ा हो। फिर बेटा कहता है ऐसी कन्या ने जन्म क्यों लिया? पहले
जिस कन्या ने जन्म लिया था वो गोरी थी, अब जिस कन्या ने जन्म लिया है ये काली है। अपने पंडित को बुलवाया राजा ने, कहने लगे बेटा जी आप एक काम करो, इन दोनों बच्चियों की जन्म कुंडली बनाओ, ग्रह देखो और ये बताओ जो मैं आपके लिए लेकर के आया। अब महल में तो चलो दर्शन कराऊंगा। राजा ने जीत पकड़ ली, तारा झोली खोल करके दिखा, वरना तेरे साथ ये जितने भक्तजन खड़े हैं सभी का सर कलम कर दूंगा, सबको जान से मार दूंगा, तो ध्यान देना मेरी बात पर। उस समय तारा ने मां को पहली अरदास करी थी, मां ने अपने तारा ने अपने जीवन में मां को तीन बार याद करा था, तीनों बार जो जो मांगा सो मिला उसको। पहली बार अरदास सब करी जब राजा करके रानी झोली खोल करके दिखा, वरना सबको जान से मार दूंगा, तो तारा ने सच्चे मन से मां को प्रार्थना की कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गेश मां शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्वंगल मांगलिये शिवेशमाचार्ये शरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मां आज मेरी झोली में जो प्रसाद है बस इसका रूप बदल दो, वरना मेरे राजन किसी मुनि छोड़े। तो मां ने क्या किया, पलक झपकते ही अमृत बरसाया और तारा की झोली में जो प्रसाद था उसको देखते ही देखते बदल दिया। बोलो साथे क्या बन गया प्रसाद, इनका ध्यान ही चले चने पर हलवे पे पड़ा हुआ। कौन है आपके, इनको एक काम करना शर्माई, दो दोने देना प्रसाद में, लेकिन सुन लो कैसे कैसे देना, एक दोना तो भरा हुआ देना खूब और दूसरा खाली देना ढकने के लिए, कभी दोने भरे में देना। बोलो साथ के दरबार की, यानी कहानी के बीच में मेवे का प्रसाद बांटते हैं। अजय भैया